हे ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में फिर एक होम रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आपका स्किन ब्राइटनिंग, व्हाइटनिंग, ग्लोइंग और काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। एक वीडियो में चार चार प्रॉफिट हो रहे हैं, चेहरे की सारी डलनेस को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। सो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए चुटकियों में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये होम रेमेडी फेस पैक बनाने के लिए आपको ले लेना है एक आलू और इसे आपको कर देना है पील ऑफ। इसका सारा छिलका निकाल देना है और छिलका निकाल देने के बाद एक बार इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद इसे ग्रेट करना स्टार्ट कर देना है। ग्रेट करना यानी कि इसे कर देना है कद्दूकस, और कद्दूकस करते वक्त धीरे धीरे करना है अपने हाथों को बचाकर। ऐसा नहीं कि चेहरे को चमकाने के चक्कर में हाथ किया बैंड बजा लें। तो सबसे पहले इसे कद्दूकस करना मैंने स्टार्ट किया था। अब एक हाथ से कद्दूकस करना और वीडियो लेना बड़ा ही मुश्किल काम है, फिर भी जैसे तैसे मैंने ले ही लिया। कद्दूकस करने के बाद मेरे इस आलू की कंडीशन कुछ इस तरह हो गई है, सारा का सारा इसका जो पानी है वो निकलने वाला है। तो अब यहाँ पे मैंने अपने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसका पानी ना कुछ इस तरह से हम निकालेंगे। आप चाहे तो एक कॉटन का फैब्रिक ले सकते हैं उसके हेल्प से, और उससे भी अगर इजी पीजी सा हेल्प चाहिए ना आपको, तो बस हाथ में ऐसे सारा ले लो आलू ग्रेट किया हुआ, उसके बाद एकदम निचोड़ दो जोर से। जितनी आपके पास ताकत है ना, वो सारी ताकत लगा दो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए, क्योंकि यही ताकत काम आएगी आपके चेहरे को ब्राइटनिंग, व्हाइटनिंग, लाइटनिंग और काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग बनाए रखने के लिए। घर का जुगाड़ है, एकदम घरेलू नुस्खा है, हमेशा 100% इफेक्टिव और 200% नेचुरल ही होगा। तो जल्दी से इसमें आप कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, आपके चेहरे का निखार बढ़ाता है। अगर चेहरे पे पिंपल्स वगैरह है तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगी, वो है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा में वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे आपके चेहरे का निखार और भी ज़्यादा खिल कर आएगा। फिर ऐड करूंगी हनी यानी कि शहद, जिससे आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगा। वैसे भी गर्मी का मौसम है, चेहरे में मॉइस्चराइज तो हमें करना ही होता है। तो चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए और इस होम रेमेडी फेस पैक को एकदम स्मूथ क्रीम बेस्ड कंसिस्टेंसी देने के लिए हनी का अप्लाई ज़रूर करें। हनी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये चार चीज़ों से हमारा ये फेस पैक जो है तैयार हो चुका है। एकदम क्रीमी बेस्ड कंसिस्टेंसी है, एकदम पानी जैसा पतला इसे नहीं रखना है, थोड़ा सा थिक रखना है ताकि आपके चेहरे पे इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। धीरे धीरे इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना आपको स्टार्ट कर देना है, वो भी सर्कुलर मोशन में। वीक में दो बार इसे आपको कम से कम अप्लाई करना है। अगर आप वीक में दो बार अप्लाई करेंगे तो आपको पार्लर का मुंह तो कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। चेहरे पे जो भी डार्कनेस आया हुआ है, डलनेस है, दाग धब्बे, डार्क सर्कल्स, जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उसके लिए एकदम ये देसी जुगाड़ है। बस वीक में अगर आप दो बार लगा लेंगे आपको कभी भी स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम घर बैठा देसी जुगाड़ है, कोई भी आपको एक्सपेंस लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आप पा सकते हैं ग्लोइंग स्किन। हाँ, ये सब लगाते हुए थोड़ा सा तामझाम लगता है, लेकिन अब 24 घंटे में से 10-15 मिनट तो हम अपने ऊपर पर्सनली दे ही सकते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन के लिए। अब हमें पैसे भी बचाना है, स्किन केयर भी करना है, पार्लर भी नहीं जाना है, तो अब छोटा मोटा काम तो आपको 10-15 मिनट के लिए अपने घर में बैठकर करना ही पड़ेगा, ताकि आप अपनी एकदम ग्लोइंग स्किन को हमेशा ग्लोइंग बनाए रख सकें। और ये सारी होम रेमेडीज यूज करने से ना आपके चेहरे पे हमेशा टाइटनिंग आ जाएगी, आपका चेहरा खिला खिला सा लगेगा, जो भी लूज लूज से स्किन हो गई है, रिंकल्स आ गए हैं, ये सब एकदम टाइट हो जाएंगे। फिर हमें वेट करना है 5 मिनट का। पूरे 5 मिनट जब हो जाएंगे तो ये अच्छी तरह से सूख जाएगा, लेकिन हाँ, इसे सुखाना कंपलसरी है। जैसे ये सूख जाए इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। आफ्टर वॉशिंग का रिजल्ट देखकर आप भी कहेंगे कि वाह, क्या गजब का निखार आया है, वो भी बिना किसी खर्च के। मुझे तो पर्सनली ये वाली होम रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी लगी है। पर्सनली खुद पर मैंने ट्राई भी किया है, उसके बाद ही आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ। अब जो डार्क सर्कल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ये सारे हो चुके हैं पूरी तरह से गायब, और गायब के चक्कर में यहाँ मेरे घर की लाइट चली गई। अब जैसे तैसे टॉर्च से और मोबाइल के फ्लैश से मैं तो वीडियो बना रही हूँ, लेकिन हाँ, ग्लो जैसा तैसा नहीं चाहिए, ग्लो तो हमेशा बेस्ट ही चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। याद से जरूर लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने गर्ली गैंग या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। सेम फेस पैक आप अपने हाथ में, पैर में, गर्दन के पीछे वाले एरिया में भी लगा सकते हैं, ताकि पूरी ही पूरी बॉडी को आप एकदम ग्लोइंग बना सकते हैं। एक वीडियो से इतना ज़्यादा प्रॉफिट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।